बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने व्यूअर्स को आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अगर बाप के बस में होता तो बाप खुद को बेचकर भी बेटी का नसीब खरीद ले आता। जब दिल दुखते हैं तो जबानें खुद ही बंद हो जाती हैं। जिंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झील लेता है और किसी में बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है। जो तलाश करता है वो पा लेता है। तालिब चाहे चुस्त हो या सुस्त हो, अगर उसमें तालिब सादिक है तो वो उसे ज़रूर पा लेगा। अगर आप खुद को मादी जिंदगी की जेल से आज़ाद कराना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने नफ्स के बारे में झूठे एहसास को ख़त्म कर दें। अकलमंदों के दोस्त बनो, क्योंकि वो तुम्हें दुनिया के बारे में सिखा सकते हैं। दोस्ती में धोखा देने वाले का कोई दोस्त नहीं होता। नेकी और सब्र की मदद से तुम मरने वाले को भी जिंदा कर सकता है। बुढ़ापे में जवानी का लुत्फ उठाना हो तो ये पांच चीजें दूध में शामिल करके इस्तेमाल करें, फिर देखें मर्दाना ताकत में कैसे हैरानकुन तरीके से इजाफा होता है और नफ्स में बेपनाह सख्ती आएगी। नंबर एक, हल्दी को दूध में मिलाकर पीने से नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करें। ये जर्द रंग का मशरूब सदियों से बरेसगीर में इस्तेमाल हो रहा है और अब मगरबी ममालिक में भी इसे मकबूलियत हासिल हो रही है, क्योंकि ये दिमाग को भरपूर अंदाज में तकवियत देता है। और हम सब जानते हैं कि कुव्वत बा के अमल में दिमाग का भरपूर किरदार होता है। एक चम्मच हल्दी में 24 कैलोरीज चिकनाई, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मादनियात और फौलाद भी शामिल है। नंबर दो, ज़ाफरान को दूध में मिलाकर पीने से मर्दों में कुव्वत बा और कुव्वत बा की ख्वाहिश को बढ़ाता है। नंबर तीन, एक गिलास नीम गर्म दूध में एक चम्मच भुने हुए अजवाइन के बीज डालकर पीने से आपकी दिमागी सेहत बेहतर होती है। तनाव, परेशानी और डिप्रेशन जैसे मसाइल नहीं होंगे और बुढ़ापे में आपकी कुव्वत बा भी जवानों जैसी हो जाएगी। नंबर चार, देसी अंडे की जर्दी दूध में मिलाकर पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है और ये कुव्वत बा के लिए भी मुफीद है। नंबर पाँच, किशमिश को दूध में मिलाकर पीने से कुव्वत बा की कमजोरी दूर होती है, सूरत अंजाल को भी दूर करती है। शादीशुदा अफराद तो लाजमी इस्तेमाल किया करें। याद रहे, ये चीज़ें अलहदा अलहदा शामिल करके इस्तेमाल करनी हैं, कभी भी एक ही वक्त में शामिल नहीं करनी, और ये तमाम चीज़ें नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करनी हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।